जेकर दिल विच कुछ कर दिखाउण दा जज्बा होवे तां हर मुकाम हासिल कीता जा सकदा है। ते छोटी उम्र दे विच ही कुछ करन ते बनन दा सुपना होवे तां उह सच हो जावे उसनूं शब्दां विच बयान करना औखा हो जांदा है। अजे एक सुपना जिला फतेहगढ़ साहिब दे मंडी गोबिंदगढ़ दे रितिका गुप्ता ने लिया सी, जिसने छोटी उम्र दे विच जज बनन दा सुपना साकार कीता है। ते इसदे पूरा होने तो बाद रितिका दे परिवार की खुशी का कोई भी टिकाणा नहीं रहा। जज बनी घर परती रितिका अते उसके परिवार ने शहर वासियां दे वलों फुल्लां दी वर्खा दे नाल उन्हां दा स्वागत किया गया ते इस कामयाबी लई इन्हां दा मूंह भी मिठा करवाया गया। इस मौके ते रितिका गुप्ता ने लड़कियां नूं सुनेहा दिंदे कहा कि जेकर तुसी पक्का इरादा ते सख्त मेहनत करोगे तो तुहानूं सफलता जरूर मिलेगी। उन्हां अगे कहा कि ओहदे ते रहिंदे होए हमेशा सच दा साथ देणगे तां उन्हां दी कोशिश रहेगी कि सच्चे मन दे नाल सही फैसला लिया जावे तां जो किसे गरीब दे नाल धक्का ना हो सके। उत्थे रितिका दे माता पिता ने भी अपनी खुशी नूं जाहिर कीता। ब्यूरो रिपोर्ट दा एयर टीवी अते पंजाब हरियाणा लाइव। मेरा नाम रितिका गुप्ता है। मेरी मुढ़ली सिक्ख्या मैं ओम प्रकाश बांसल मॉडर्न स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ तो की है। उस तो बाद मैं लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो की है। उस तो बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामीनेशन PCS जुडिशरी के लिए तैयारी की है। तो हूँ अज मैं पंजाब ले पंजाब के एग्जाम क्लीयर करके पंजाब जज लगी हाँ। पहला स्टेज सीगा उस 10,000 विद्यार्थियों ने प्रीलियम दिता सीगा। उस 1,200 बच्चे सिलेक्ट किए गए सी मेन्स वास्ते ते उस विचों अगे 300 बच्चे इंटरव्यू ले गए सी। उस विचों हुण मैं सिलेक्ट हुई हाँ। जनरल कैटेगरी इंटरव्यू वास्ते 160 बच्चों को बुलाया गया सी। जब मैं लॉ ऑप्ट की सी अपने करियर वास्ते तो मेरा हमेशा तो सपना सीगा कि मैं जज ही बनना है। जब मैं लॉ की मेरा कदे भी किसी होर पासे ध्यान नहीं सी। बाकी फैमिली ने मैनू मोटिवेट किया इस वास्ते, इस करके मेरा इस बल ज़्यादा रुझान शुरू तो रहा सी कि मैं जज बनना। जिन्ना सहयोग मेरा है उन्ना ही सहयोग मेरे परिवार का है। जे अज मैं जज बनिया तो बिल्कुल 100% सहयोग उन्होंने रहा है। उन्होंने भी अपनी लाइफ विच मेरे लिए सैक्रीफाइस किया है ता ही मैं अज जज बन के खड़ी हाँ। अज मैं शुरू तो ही अपने पेरेंट्स नू देखा कि वो बड़े मेहनती सन। हमेशा उन्होंने मैनू मोटिवेट किया कि लाइफ कुछ भी करना है मेहनत करनी है अपने बलबूते करना है। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा तो ही मेरे लिए मोटिवेशन से इंस्पिरेशन रहे ने। इस करके मैं अज उन्होंने ही मोटिवेशन कारण अज अज बनी हाँ। मैनू लगता है कि जेड़ा बच्चा डिटोमिनेशन है जिस बच्चे तो जेड़ा हार्डवर्क करता है तो कंसिस्टेंट है उन्हें हमेशा ही फल मिलता है। तो इसलिए हर बच्चे जे स्पेशली कुड़ियाँ उन्होंने ये अपने निश्चय करके हार्डवर्क तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए उन्होंने उन्होंने सफलता जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया साढ़े लिए वरदान तो हैगा ही हैगा पर जेकर असी उसका गलत इस्तेमाल करिए तो वह वरदान नहीं हैगा। तो जे तुसी सोशल मीडिया नू त्याग के अपनी उन्हें सही इस्तेमाल करोगे तो थोड़े लिए काफ़ी वधिया साबित रहेगा। तो तुसी फिर अपनी लाइफ अपने करियर विच अगे वधोगे। मैं कोशिश तो मेरी हमेशा यही रहेगी कि मैं सच का साथ देवा। मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि मैं एक बैलेंस्ड मन नाल डिसीजन देवा ताकि किसी नाल कोई गलत ना हो। मैं CA रंजीश गुप्ता बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरी बेटी ने PCS जुड़ी क्रैक किया वो खुशी है। सारे दोस्त मित्र इकट्ठे हुए नहीं खुशी है सू बहुत ज़्यादा भी इन्होंने PCS जुड़ी क्रैक किया। साढ़े पूरे खानदान च पहली कुड़ी है जिन्हें PCS जुड़ी क्रैक। लोगों का भी बच्चों वो पढ़ाओ जी भी ताकि सारे बच्चे अगे वधन अपने। साढ़े सोच सब फादर साहब भी यही है जी सबू इक्ल समझा जाता जी मुंडिया कोई फर्क नहीं है सारे बराबर ने बच्चे सबू अगे वधना चाहिए जी। मतलब समाज में संदेश है जी। मनीषा गुप्ता हम इसकी मम्मी। ये देखो हर एक माँ बाप का ड्रीम होंगे भी मेरा बच्चा अगे जाए और ये गई भी है। इन्हें साडा दसन वा कि अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सपना भी पूरा किया है। ये दादा जी बहुत सीगा भी यदि नानी बहुत सीगा भी मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुँचे। जे अज वो होंगे तो उन्होंने जो प्राउड महसूस होना सीगा वो अज सानू महसूस हो रहा है। बस मेरा नाम परविंदर जिंदल है जी तो मेरी भतीजी लगती है जी। अच्छी तो बस यही यही गल कहे जी कुड़ी ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति के दृढ़ इच्छा शक्ति के मुकाम हासिल किया समाज की देश की सेवा करो जी।